चैनल। सो स्वागत है आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल पर, और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, और नीचे में जो छोटा सा बेल आइकन होगा प्लीज़ उसे प्रेस करके ही जाना। और तो आज 20 फरवरी है, तो आज हम लोग कुछ सुबह हो रहा है, 6-6 बज रहा है, तो अभी हम लोग जाएंगे, मामा का शादी है आज, तो वहाँ देखेंगे और छोटा सा एक ब्लॉग बनाएंगे, तो आप लोग बहुत सारा इन्जॉय करिएगा। और प्लीज़ ब्लॉग में जो भी न्यू है सब्सक्राइब करना। हाँ, कुछ शादी का पेंडल बनने जा रहा है, मौसम भी बारिश आएगा जैसा, और यहाँ कुछ नियम चल रहा है, और बाकी सब लोग यहाँ पे बैठा हुआ है, देखिए आप दादी माँ लोग सब बैठा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ कुछ शादी का रस्म होगा, और यहाँ परसों का पेंडल बनेगा रिसेप्शन का दिन में। मेरा मामा इधर है, आप देखिए अच्छे से। यहाँ जितना भी सामान है वो लड़की का घर पे जाएगा। तो यहाँ कुछ पूजा हो रहा है जो बंगाली में बहुत इम्पोर्टेंट रस्म है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रस्म है जो कि होना चाहिए, ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो देखते रहिएगा वीडियो को। तो ये हम लोग का लड़की लोग का जो घर पे जो शादी होता है तो वहाँ का डेकोरेशन है। तो देखिए आप लोग, डेकोरेशन बहुत ज़्यादा सुंदर से बनाया है, जो कि मुझे काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा सुंदर लगा आप सबको। तो यहाँ हम लोग का दुल्हन को लेके आ गया है, हम लोग का मामी होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। इस टाइम पर होता है ना कि जब इमोशनल होता है ना, मेरी शादी तो अभी तक नहीं हुआ है, बट कि वो इमोशनल होता है। तो बहुत रोने के बाद अब फिर एक और रस्म होगा। तो यहाँ गाना का साउंड बहुत ज़्यादा था, तो कुछ मीटिंग वगैरह चल रहा है, देखते रहिए। तो यहाँ पे मामा और मामी जो कुछ नियम कर रहा है, और वहाँ पंडित जी कुछ मंत्र बोल रहा है आई थिंक, तो मुझे ना पता नहीं, तो मुझे जूम करके वीडियो करना पड़ा क्योंकि यहाँ शोर भी बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने साउंड को वॉइस खुद रिकॉर्ड किया यहाँ। तो अभी वो लोग का कुछ नियम चल रहा है, और बताइए कमेंट में मेरे मामी कैसा है, और मामा भी थक गया जैसा लग रहा, बहुत थक गया क्योंकि कब से बैठा हुआ है वो लोग। तो नियम अभी चल ही रहा है, देखते हैं कब तक चलते हैं हम लोग का नियम और ये। तो देखते रहिए और ब्लॉग को एंजॉय करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। आई थिंक आप लोगों को इतना वॉइस नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, कोई भी नहीं होगा, वो दिन चल रहा है, देख लीजिए बहुत सारा आदमी, और ये घर का पता नहीं क्या ही हो गया, पता ही नहीं क्या ही क्या होता है, मुझे पता ही नहीं पता नहीं कुछ नहीं चल रहा है। तो ये फाइनल रस्म था जो कि अभी ख़त्म होने वाला है, तो शादी भी कंप्लीट हो गया है ये रस्म के बाद। तो दुल्हन का दीदी भी बहुत ख़राब से रो रहा था, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल था और बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग डे था, जो कि हर लड़की का लाइफ में होता है। तो बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा रोना आया मुझे भी, और बहुत ज़्यादा अपना मामी बहुत ज़्यादा रोने लगा, इमोशनल डे ब्रिगर बहुत ज़्यादा खुद खुद रोने लगा।